इस वक्त इतना लेट लाइव आने का कोई आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे अचानक प्लान बन गया या क्या, तो स्पेसिफिक रीज़न है। वैसे मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं लाइव आज करूँगी या कोई, ये कोई हम जो कैजुअली सेशन करते हैं उस तरह का नहीं है। थोड़ा सा चाह रही थी कि आज जिस तरह का दिन गुजरा है उसके ऊपर थोड़ी बात हो जाए, इसलिए क्योंकि आई थिंक हम सब लोग ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आज के दिन। और कल से जब से हमने एक न्यूज़ सुनी है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी ऑब्वियसली, जो खातून के साथ जो ज़्यादती हुई है इज्तमाही लाहौर मोटरवे पे, उनके साथ गुजरपुरा के एरिया में, इनफैक्ट तो वो लाहौर से निकली थी और उनके साथ ज़्यादती हुई, उनके बच्चे भी उनके साथ थे। रात को मेरे ख्याल में 1 बजे का टाइम था, उन्होंने फ़ोन भी किया लेकिन उस वक्त कोई अवेलेबल, मतलब उनकी गाड़ी, उनका पेट्रोल शायद ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर किसी ने उनको हेल्प आउट करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया अथॉरिटीज़ को, वहाँ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उसके बाद फिर ये बहुत 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 ज़्यादा सैड इंसिडेंट पेश आया। हम सुबह तक न्यूज़ हम सबको भी मिली और इंक्वायरी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी शुरू हुई, लेकिन मेरे ख़्याल में आई थिंक के इंतहाई शर्म का मकाम है, इंतहाई शर्म का मकाम है कि मेरे ख़्याल में ये सबसे पहले ज़िम्मेदारी रियासत की होनी चाहिए और है, वो हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ऊपर से फिर जो आज पूरा दिन बयानात आते रहे CCPO के, और कुछ कमेंट्स भी पढ़े जिनको पढ़ के बहुत दुख हुआ, एक औरत के नाते भी बहुत दुख हुआ, इस सेंस में कि आप लोग इस टाइम पे इस चीज़ का हल निकालने के बजाय हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उनको वो लेट क्यों निकली थी, वो बच्चों के साथ अकेली क्यों निकली थी, ये कितना अननेसेसरी डिस्कशन है इस टाइम पे। आप मुझे बता सकते हैं कि किसी के साथ दो मिनट को ये क्यों नहीं रखकर सोचा जाता कि ये खुदा ना खास्ता अगर हमारे किसी घर के मेंबर के साथ हुआ होता तो क्या हम उससे ये बातें कर रहे होते इस टाइम पे। अगर किसी का हमको पता चला है कि किसी के साथ ये एक ट्रेजेडी पेश आई है तो हम उसको सही करने के, करेक्ट करने के, या जो कसूरवार हैं उनको कन्विक्ट करने के बजाय, उनको पकड़ने के बजाय हम विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। आई थिंक कि ये कल्चर अब स्टॉप करना चाहिए। अब हम कोई बहुत पुराने ज़माने में नहीं हैं, और पुराने ज़माने में अगर ये सब चीज़ें होती थी या कहते थे कि लड़कियों को संभाल के रखें, बिल्कुल आप संभाल के रखें, इज्जत के नाते संभाल के रखें। आप उनको ये नहीं बोलें कि हम जो है लड़कियों को बंद कर देंगे, इसलिए क्योंकि मर्द या जो जहनी तौर पे बीमार हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका हल ये है कि लड़कियां बंद हो जाएं। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन ये नहीं है। जहां पे लोग इस टाइम पे डिमांड कर रहे हैं कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को इंडोर्स करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसके अंदर भी, जिनको प्रॉब्लम इस टाइम पे नज़र आ रहा है कि नहीं, हमें सरेआम फांसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा माशरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं बारबेरिटी वाली थॉट प्रोसेस है हमारा, और जब सरेआम अगर फांसियां होना शुरू हो गई तो उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती, इसलिए क्योंकि जब आप अपने बच्चों को लेकर आप ये, मैंने ये रीज़न सुना कि हम जब बच्चों को बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे अगर ये माहौल देखेंगे कि पब्लिक अगर हैंगिंग्स होने लग गई और कैपिटल पनिशमेंट्स होने लग गई, बच्चे क्या देखेंगे, बच्चों को क्या समझ में आएगा। आप उस वक्त तो आप लोगों को बच्चों का ख्याल नहीं आता जब आप फिल्म्स लेकर बैठे होते हैं और इतनी ज़्यादा खून खराबे की फिल्में देख रही होती है। मेरा भी दिल नहीं है, मैं भी नहीं देख सकती खून खराबे की बहुत ज्यादा फिल्में, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ हर तरह की फिल्म्स भी देख रहे होते हैं। दुनिया में हर चीज चल रही है, बहुत वर्स सर्कमस्टेंसेस भी चल रहे हैं, हम हर चीज पे अवेयर भी होते हैं और ना चाहते हुए भी आंखों से गुजर भी जाती है। तो अगर किसी को जस्टिस मिल रहा है या एक एग्जाम्पल सेट हो रही है तो उसको प्लीज कंडेम ना करें, और इस टाइम पे लोगों को ये ना सिर्फ समझाएं या ना रोकें कि प्लीज आप पब्लिक हैंगिंग की डिमांड ना करें, इससे हमारा माशरा आगे खराब होगा। ये महजब माशरों में पब्लिक हैंगिंग नहीं होती, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर पब्लिक हैंगिंग नहीं होती तो वो माशरे इस लाइक हैं। हमारा माशरा
आप मुझे बताएं ना हमारी क्या मेंटेलिटी है, मतलब जहां पे ये सब हो रहा हो, जहां पे औलादों के साथ, जहां हमारी 5-5 साल की लड़कियां सेफ नहीं है, हम वहां पे क्या, किस तरह एग्जांपल सेट करें, या किस तरह इस जाहिलाना और इस घटिया सोच को, या इस तरह की सोच, बीमार बीमार जहन को हम किस तरह सही करें, उनको डरा, उनको इसी तरह करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करे बगैर आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप जो है कुछ नहीं करेंगे और आप छुपा के हैंग कर देंगे, या आप अंजाम तक ले जाएंगे किसी को, कल्प्रिट को, और मसला हल हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस। आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी, वरना ये नहीं होगा। अब काम आता है लेजिस्लेटर्स का, उनको चाहिए वो बिल्कुल पब्लिक हैंगिंग की जो पब्लिक की तरफ से डिमांड है उसको वो लॉ में लेकर जाएं, और उसको अपोज ना किया जाए ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर भी, फिलहाल ना किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान के अंदर पब्लिक हैंगिंग्स को खोल दें, आप कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट इसको होने दें, इसलिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स आएंगे, रुकेंगी ये वारदातें, ये रुकेंगी। आज किसी की किसी और के साथ हुआ है, खुदा ना खास्ता कल को हमारे भी घर में से कोई हो सकता है। मेरे दिल के अंदर ये गुर्दा नहीं है, मेरी भांजियां हैं छोटी छोटी, मैं खुद जिस घर में हूँ, हम लोग 4 बहनें हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि खुदा ना खास्ता कि मैं किसी के इर्द गिर्द में या किसी के बारे में भी ये बात सुनूं। आप जब हम अपने बच्चों पे अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम अब अपनी माओ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे जो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पूरी जिंदगी शायद इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाएंगे, उन्होंने जो चीज विटनेस कर ली वो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। आप खुदारा, एक तो जो इस तरह के लोग हैं, मैं आप लोगों से भी इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि जब किसी विक्टिम का पता चले, कोशिश करें कि उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता होता वो उनकी फैमिली के लिए ना प्रॉब्लम बन जाए, उनके लोगों के लिए। अगर आप FIR भी शेयर कर रहे हैं, मैंने नहीं पोस्ट की FIR, इसीलिए नहीं पोस्ट की क्योंकि उसके अंदर उनका एड्रेस डला हुआ है, उनकी नाम डला हुआ है, और आपको पता है कि हमारे लोग किस तरह के हैं। अभी तो शायद एक जाहिर है, एक बात चल रही है, हर चीज़ चल रहा है, लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जाके कौन किस तरह की कोई घटिया बात कर दे, या मतलब कोशिश करें कि उनकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करें, और जो पकड़ा जाए उसकी इंफॉर्मेशन को आम करना चाहिए, उनके चेहरों को ना ब्लर करना चाहिए और ना ही उनके चेहरों को छुपाना चाहिए, और ना ही उनको छुपा के सजाएं देनी चाहिए। उनको आप पब्लिकली सजा दें, इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने जो काम किया है वो डिजर्व करते हैं कि दुनिया के सामने हर चीज आए जो उन्होंने हरकत की है, ताकि उन जैसे जो भी दिमागी मरीज लोग हैं वो उनको नजर आए और वो अपने आप को रोकें इन कामों से। सेकेंडली है, ये भी बोला जाता है कि पब्लिक हैंगिंग्स इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉपरली नहीं है, या हमारे यहाँ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आई कम्प्लीटली अग्री, हमारे यहाँ नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन पे काम होने की बेतहाशा ज़रूरत है। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि गवर्नमेंट इस चीज़ का, रेप का, चाइल्ड अब्यूज़ का, अवेयरनेस का, इसका एक पूरा एक प्रॉपर अलग एक सिस्टम बनना चाहिए जिसके अंदर इसके अवेयरनेस पे बात होनी चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूल्स में पता होना चाहिए कि रेड फ्लैग्स क्या है, कब स्टॉप होना है, कब उनको पता होना चाहिए कि उनको वॉइस करना है। कितने बच्चे, कितनी औरतें, मेरे ख्याल में अब हम लोग ना सोशल मीडिया की दौर की वजह से हमें पता चल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, वरना कितने सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई और उनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि हमारे साथ कितना बुरा बुरा हुआ है, ताकि उनके साथ बुरा हो गया है, या जो सड़क पे चलते चलते जो खुद अल्लाह का करम है कि वो बच जाती हैं खातूनें, या कोई खवातीन बच जाती हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, तो बाइक पे जाते हुए मर्द जिनको अपनी जहनी सुकून हासिल करना होता है, तस्कीन हासिल करने के लिए, वो सिर्फ हाथ लगा के समझते हैं कि हमारा काम हो गया, और उस बच्ची के ऊपर, उस लड़की पे जो गुजर रही होती है, यू नेवर नो। आप बाइक पे जाते हुए आप हाथ मार के पीछे से चले जाते हैं, मतलब ये कब तक आप इस कल्चर को स्टॉप करते रहेंगे, या कब तक आप खामोश बैठकर तमाशाई बनकर आप ये सब देखते रहेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। आप डिमांड करें, आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करें, जो हैशटैग चल रहे हैं उन पर अपनी बात लिखें और रखें, और अपने लेजिस्लेटर से, अपने लोगों से ये बात डिमांड करें कि कुछ वक्त के लिए, नॉट फॉर एवर, कुछ वक्त के लिए पब्लिक हैंगिंग्स को आप करें। इट शुड हैपन, इसलिए क्योंकि हमें एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। इसका और फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, जब तक इबरत का निशान नहीं बनेंगे ऐसे दरिंदे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा।